नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा। क्या समझा है आपको? हमारे ओझर के मुस्लिम समाज के सदर इस मदरसे के अंदर आयुष्मान का कैंप लगाया है। सभी कम्युनिटी में कैंप मरीजों का इलाज के लिए सभी इलाज कर रहे हैं और डॉक्टर इंदौर से आए हुए हैं जांच के लिए। हमारे कमेटी के सभी साथियों से बहुत बहुत धन्यवाद इनका, जो कैंप ओझर के अंदर आम मुस्लिम जमात में लगाया हुआ है। सभी का सहयोग मिला है, बहुत अच्छा है। मरीज कम से कम 200-300 मरीजों का इलाज, यहाँ जांच भी हो रही है। और
चाचे वगैरह भी सब क्रीम हो जाते हैं सीधे खा लेंगे मेहरबानी आज हमारे कैंप के अंदर जिला सदर भी आए हुए हैं इदरीस सर होजर में कैंप के अंदर मरीजों का इलाज बहुत अच्छा चल रहा है और सभी डॉक्टर यहाँ आए हुए हैं होजर में इंदौर से जांच के लिए आज तक सुपा कुरैशी न्यूज होजर कल यहाँ के लिए
जरा भैया जनाब के साथ हमारी आखिरी वस्तु पर मेडिकल टीम द्वारा सभी विभागों के मेडिकल टीम द्वारा जो है मरीजों को देखा गया। 200 से ज़्यादा मरीजों की ओपीडी हुई और यहां से 50 जनों को रेफर किया गया। श्री चेयरमैन श्री सुरेश सिंह जी भदौरिया के द्वारा यहां पर जो है निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जा रही है और सभी का जो है यहाँ पर सहयोग ओझल में सभी का सहयोग जो है बहुत अच्छा रहा। देख रहे हैं आज तक 24 न्यूज़ में और सौजन्य से इंडेक्स हॉस्पिटल के कुछ डॉक्टर लोग आए थे। हम उनसे चर्चा करते हैं कि उन लोगों ने क्या क्या कार्यक्रम किया और कैसे कैसे लोगों का पेशेंटों का इलाज किया और उन्होंने कहाँ इनको रेफर किया। जी बताएं सर। आज 24 न्यूज़ चैनल आज तक 24 न्यूज़ चैनल के सहयोग से एक कैंप का ऑर्गेनाइज किया। यहाँ पर करीब 200 से ज़्यादा मरीजों को इंडेक्स मेडिकल कॉलेज से आए हुए डॉक्टरों ने 10 से ज़्यादा डॉक्टरों की टीम ने अलग अलग जो कि अलग अलग विभाग के थे उन्होंने पेशेंटों को देखा उनकी जांचें की और 200 से ज़्यादा मरीजों को उनका इलाज किया और करीब 50 से ज़्यादा मरीजों को हॉस्पिटल के लिए इंडेक्स कॉलेज के लिए एडमिशन के लिए रेफर किया है ताकि उनकी फर्दर और आगे की जाँचें हों। सर किस किस चीज़ में आप इलाज करते हैं? यहाँ पे सभी विभागों के डॉक्टर थे जैसे सर्जरी मेडिसिन ऑप्स गायनी ऑर्थोपेडोलॉजी स्किन ENT पीडिया सभी टीवी चेस्ट सभी विभाग। योर नेम सर आपका? माय नेम इज डॉक्टर जितेंद्र रघुवंशी। मैं स्किन डिपार्टमेंट से। ठीक थैंक यू। अभिषेक जी आप कम बात करते हैं सर, ज़्यादा कम बात करते हैं सर। जब मुस्कुरा के देखो इतने डॉक्टर लोगों ने तो ऐसा पैसा से ऐसी बात करना चाहिए कि आदमी देख के खुश हो जाए। आधे अच्छे डॉक्टर क्यों अच्छे हो जाते हैं लोग देखते बोले क्यों मैं हंसाता हूँ ताकि वो हम मुझे बताते हैं जो जो कल आएगा उसके लिए धन्यवाद। कल प्रोग्राम है कल भी आपको आना है अगर आ जाएंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी क्योंकि वहाँ पे ये तो थोड़ा सक्षम ही था और वहाँ पे लोग बहुत गरीब लगे गरीब लोग जैसे कि आदिवासी समझते नहीं कपड़ों को अपनी भाषा को तो अपने को उनको ज़्यादा आगे ले सकते हैं तो जितने अगर कल आ जाएंगे तो बड़ी मेहरबानी पास में राजपुर से करीबन सर आप कुछ कहना चाहते हैं आप बच्चा बताएंगे आपके बारे में ज़रा। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था जी। यहाँ पे 200 से ज़्यादा मरीज देखे और 50 से ज़्यादा रेफर किए गए। इंडेक्स मेडिकल कॉलेज द्वारा ये कैंप का आयोजन किया गया निशुल्क। बहुत ही अच्छा था यहाँ का रिस्पॉन्स। आगे भी हम कोशिश करिए आते रहें। धन्यवाद सर। जी सर जी हम यहाँ पर आए हमने काफ़ी विभिन्न प्रकार के मरीजों को देखा हड्डिया पथरी और बाकी विभागों ने भी अपने अपने विभाग के काफ़ी मरीजों को देखा और हम भी कोशिश करी कि हम उनको अपने साथ इंडेक्स कॉलेज लेके जाए ताकि उनका आगे आगे बेहतर तरीके से हम इलाज कर पाए। धन्यवाद सर। जी मैम बताएँ आप। हम यहाँ पे इंडेक्स मेडिकल कॉलेज की तरफ से आए थे। यहाँ पे हमने 200 मरीजों को देखा है और 50 से ज़्यादा हमने रिफ़र करे थे। मैम किस डिपार्टमेंट डॉक्टर हैं आप? पल्मोनरी मेडिसिन से डॉक्टर अरीशा जावेद। ठीक जी सर बताएं। मेडिसिन डिपार्टमेंट से हम इंडेक्स मेडिकल कॉलेज की तरफ से एक कैंप आयोजित किया है जिसमें 200 पेशेंट्स हमने देखे हैं और लगभग 50 से ऊपर मरीज हमने रेफर करे इंडेक्स। योर नेम सर? स्वप्निल सक्सेना मेडिसिन। ओके जी मैम बताएं। डॉक्टर 200 से ज़्यादा मरीज देखे और बहुत सारे पेशेंट को हमने
जी मैम बताएं। मैं डॉक्टर अश्विनी और स्कैनी डिपार्टमेंट से, हम लोग इंडेक्स मेडिकल कॉलेज से आए हैं। तो भी पेशेंट सर्जरी के लिए होते हैं, उनको रेफर किया है और कम से 200 से ज़्यादा पेशेंट को यहाँ पे देखा। जी सर बताएं। सर आपका विशेष योगदान था, आप पब्लिक को बड़ी बेहतरीन तरीके से दवाएं दे रहे थे। सर आप मेडिसिन के बारे में बताएं थोड़ा। हमने सारे मरीजों को सभी तरह की दवाएं दी निःशुल्क, और 200 से ज़्यादा मरीजों को हमने दवाएं दी, और बाकी सब डॉक्टर ने अच्छे से देखा, बढ़िया। सर यहाँ के जो आपने जो कैंप लगाया, आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है सर, कुछ जो आयोजक को कुछ कहना चाहेंगे आप? फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।